ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के चलते एक महिला मरीज की मौत होने की घटना प्रकरण में अजनी पुलिस ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिष्ठाता राज गजबीय सहित 11 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में कड़ी जांच होने की बात भी पुलिस ने की है। जानकारी है कि केवल राम यह जिला न्यायालय में निवृत्त अधीक्षक है। 2019 में गजबीय यह शस्त्रक्रिया विभाग के प्रमुख थे, अभी वे डीन है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केवल राम की पत्नी पुष्पा के गर्दन के सामने गांठ पड़ गई थी, जिसके कारण 2 जुलाई 2019 को पुष्पा को उपचार के लिए मेडिकल में लाया गया। डॉक्टर गजबीय ने पुष्पा की जांच की और जांच के बाद डॉक्टर गजबीय ने केवल राम को पुष्पा के ऑपरेशन की सलाह दी। इस ऑपरेशन के बाद पुष्पा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद केवल राम ने 30 जून 2020 को डॉक्टर गजबीय व अन्य डॉक्टरों के विरुद्ध में अजनी पुलिस में शिकायत दी, जिसमें न्यायालय ने जांच के आदेश देते हुए एफआईआर करने की आदेश भी दी है, जिसके बाद अजनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस केस में फिरियादी केवल राम पटोले, इनकी पत्नी का 8/7/2019 को मेडिकल हॉस्पिटल में एक देहांत हुआ था। उनके गले के ऊपर छोटी सी गांठ थी, उसकी सर्जरी के लिए वो एडमिट हुई थी। उस इलाज दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। उस सिलसिले में चौकसी की मांग फिरियादी केवलराम पटोले इन्होंने की थी। साथ ही साथ उन्होंने माननीय न्यायालय में इस केस में गुनाह दाखिल होने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसमें माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार क्रम 156(3) CRPC के अनुसार जो कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ, उस आदेशानुसार डॉक्टर गजबीय और ऐसे 11 डॉक्टर के खिलाफ गुनाह दाखिल किया हुआ है। आगे कोर्ट में ऐसा अहवाल भेजे है और आगे का तपास शुरू है। बिल्कुल, जिसमें FIR अगर हुई है तो तपास हर बारीकी से, सही में उसमें लापरवाही हुई है नहीं है, जो भी इस केस के बारे में जो भी बारीक सारी चीज़ें हैं, हर एंगल से इसकी जाँच होगी। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस इस मामले पर गंभीर नजर आ रही है। तय से जांच करने के बाद पुलिस करी है। फिलहाल महिला की मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, यह जांच के बाद ही पता चल सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।